अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको विजिट कराएंगे ताज रेजिडेंशिया इस्लामाबाद का। ये हम ताज रेजिडेंशिया के मेन बुलेवार्ड पे एंटर हो गए हैं I-14 वाले एंट्रेंस से। काफी वाइड किस्म की रोड है और इस टाइम यहाँ पे काफी लैंड अवेलेबल है। एक मस्जिद और टैंक भी बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे मार्केटिंग ऑफिस भी है यहाँ पे इनका साइट पे, और काफी घर बने हुए भी हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। देखिए, एक उनकी मेन मस्जिद बनी हुई है, ये इनका हमारे उल्टे हाथ पे। ये ट्यूलिप सेक्टर है इनका, यहाँ पे भी पोजेशन हो चुका है और घर बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं। और हमारे राइट पे इनका लिली ब्लॉक है, ये यहाँ पे लोग रह भी रहे हैं। और ये कमर्शियल प्लाजा भी एक बन रहा है। सिक्योरिटी भी अवेलेबल है यहाँ पे ताज वालों की, सिक्योरिटी हुई कल पे। और ये इनका बैरियर आया है जिसमें एक लोकल कोई, आई गेस अभी यहाँ पे एक लोकल शायद स्ट्रीट चल रही है। इसके बाद ये इससे ये दो पहले शुरू के ब्लॉक्स इस टाइम पोजेशन हो चुके हैं। इसके बाद ये जो नेक्स्ट इनका ब्लॉक है, ये इनका गार्डेनिया सेक्टर है, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कारपेटिंग हो चुकी है, लाइट्स लग चुकी हुई हैं, नियर टू पोजेशन ही है। और हमारे इस तरफ राइट साइड पे और चिट ब्लॉक है, काफ़ी बहुत बड़ा सेक्टर ये डेवलप कर चुके हैं। मेन रोड भी, साथ इसके सर्विस रोड भी हैं। ये एक इनका मार्केटिंग ऑफिस बना हुआ है ताज वालों का। बिजनेस वर्ल्ड मार्केटिंग, ये यहाँ पे इनके मार्केटिंग ऑफिसेस हैं। से आगे का जो अभी एरिया है वो अंडर डेवलपमेंट है और वहाँ पे अभी स्ट्रीट की कटिंग चल रही है। बस यहाँ तक ही इनकी मेन बुलवार्ड की वो चल रही है। इससे आगे अभी लेवल नहीं हुआ, लेकिन रोड नहीं बनी, काफ़ी बड़ा एरिया इन्होंने एक्वायर किया हुआ है। ये हम जैसे जैसे डेवलप होगा हमारी फ्यूचर वीडियोस में आपको इंशाल्लाह ये नज़र आएगा। से हम वापस चलते हैं। काफ़ी बड़ा कटिंग एरिया हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा एरिया की। और इनका सबसे बड़ी ये है इनके फैसिलिटी के, इनको तीन एक्सेस है, एक I-14 से, एक I-16 से और एक न्यू एयरपोर्ट के पास ठलिया इंटरचेंज से। तो ये वाला रोड जिससे अभी हमने वापस टर्न किया है, ये ठलिया इंटरचेंज तक हमें टच करेगा। और अभी जिससे हम इंटर हुए थे वो था I-14 वाला एक्सेस। ताज रेजिडेंशिया के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली वीडियोस को फॉलो कीजिए। थैंक यू।